all perish be to Allah in cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophet and all of his companion. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of the last prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, because Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Speak kam subhanallah. Subhanallah. Jo Hussain se mohabbat karta hai wahi subhanallah kahega. Subhanallah. एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध नरगु नरबीर अकाल मूरतज वनी से भुंगड़ प्रसादी अंदन तमा पड़ा विशंति असंभाति मोपास्ती ततो भूयो अभ्युति तमोयो संभाति अमृता युना पिता जनिता विधाता धामाने वेद भुनाने विश्वा युदेवा नाम नाम दायक तम शप्रश्न भूना यंति अनिया इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि माहि ततो देवस्य सुपर्णो वर्तमानम एकम सर्वि प्राबुधा वदन्ति त्रिदा भिन्नो विष्णु ब्रह्म रार्याना गुणेन लो सदा हरे एकम सद्वि प्रभुदा वदन्ति अहिंसा सत्यम करो दस्त्याग शांति रपैष्टम दया ब्रोपतलम हीर्चाप्लाम ओम पूर्णविदं पूर्णविदं पूर्णात् पूर्णमदुष्यते पूर्णमादाय पूर्णदेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। देखिए अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे भाई कितना समझते हैं। अरे जो कुरान और हदीस नहीं समझ सके वेद और कुरान क्या समझेंगे। लेकिन मैं पढ़ता इसलिए हूँ कि आज कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे पैदा हो गए हैं जो अपनी जुबान में कुरान को गलत ठहरा रहे हैं, तो मैं उनकी जुबान में कुरान को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये प्रूफ है कि दुनिया का हर ग्रंथ, दुनिया की तमाम धार्मिक पुस्तक उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक के उस पुस्तक में, उस किताब में, उस बुक में मेरे सरकार का तज़किरा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मौलाना को बुलाए थे तकरीर करने के लिए, ये वेद पढ़े संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत पढ़ रहे थे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये मुझसे बड़े बड़े उलमा हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला विराजमान है, इनकी मौजूदगी में जो कुछ भी कहूंगा अल्लाह और उसके रसूल की शान में कहूंगा, जबान चाहे जो भी हो। अल्लाह सुभान, जो कुछ भी कहूंगा दायरे इस्लाम में रह करके कहूंगा, शरीयत के दायरे में रह करके कहूंगा, जबान चाहे जो भी है कि नहीं, जिसकी जो जबान है। लेकिन हर जबान में मेरे सरकार की तारीफ होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप लोग कि एमुन समय डाकले बंधु सूरज गेलो पाठे। बोलिए बोलिए। अब तो बेदार हो जाइए, इसलिए कि जहां पे जागा जाए वो जगह हिंदुस्तान है। बच्चा चाहूंगा अभी कारी सैफ रजा कानपुरी साहब कह गए हैं कि हाँ ये जलसा सिर्फ समस्तीपुर वालों का है, भैया हमें मत पीछे छोड़िए, हम भी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर से कट के वैशाली बने। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इस इलाके का उस इलाके का है, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये जलसा सारे सुन्नियों का। अल्लाह कि एमुन समय डाकले बंधु सूरज गेलो पाठे रोजेदार जेखुन जल अंते पत्तो दिगेर घाटे। अरे पत्तो दिगेर कालो जल हरेक रकम फूल। अरे जोरे जोरे बोलो मोमिन मोहम्मद रसूल। मोहम्मद रसूल, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई आपको, आप सलामत रहे कयामत तक, और कयामत ना आए कयामत। एमुन समय डाकले बंधु सूरज गेलो पाठे रोजेदार जेखुन जल अंते पत्तो दिगेर घाटे, और पत्तो दिगेर कालो जल हरेक रकम फूल। जोरे जोरे बोलो मोमिन मोहम्मद रसूल। मदर नबी सर्वोत्तम, मदर नबी सर्व उत्तम सर्व सुंदर, तार से हसनैन करीमैन फातिमा बतूल। अरे मदर नबी याचर बोलो मोहम्मद रसूल। याचर बोलो मोहम्मद रसूल। और जिनका जलसा सजाए बैठे हैं उनकी बारगाह में दोषे रजत समझ चाहूंगा। बस 15 मिनट का टाइम है, याद रखूंगा इंशाल्लाह कि ऐ करबला की खाक इस इंसान को न भूल, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल,
तड़पी है तुझ पे लाशा जिगर गोश है बतू। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशा जिगर गोश है बतूल, और मजलूम की लहू से तेरी प्यास बुझ गई। मजलूम की लहू से तेरी प्यास बुझ गई, अरे सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। हजरत मोहतरम, वक्त का पहिया चलता हुआ लगभग 1:36 हो गया है और बहुत सारे लोग अपने घरों को रुखसत हो गए। एक काम मौलाना इजहार अशरफ साहब कर रहे थे तो मैं देख रहा था लोग यूं बैठे हुए कि हिलाने से भी टूट करे ऐसा हो रहा था। लेकिन मैं कहता हूं अभी अगर कोई मुखिया ऐलान कर दे आकर के कि कल सबको इंदिरा आवास मिलेगा, 5,000 रुपया जमा करो, पता ना इधर से निकलेगा यहां से निकलेगा, कहां से निकल जाएगा। लेकिन ये 5,000 में जन्नत की टिकट बांट रहे थे, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। अरे आपने सुना नहीं, मलका जुबैदा 2 दिनार देकर के जन्नत खरीदी और हारून रशीद वही जन्नत खरीदने गया तो हजरत बहलूल फरमाते हैं कि तुम्हारी पूरी मिल्कियत भी मिलकर के जन्नत नहीं खरीद सकते। क्यों? कि मलका जुबैदा जो है बिन देखे जन्नत देखी नहीं थी, खरीद ली। उसे मालूम था कि ये अल्लाह वाले हैं, सब कुछ दे सकते हैं, ये अल्लाह वाले हैं, सब कुछ दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ये कुछ नहीं दे सकते, हम लोग को तो देते हैं भाई, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो ये अल्लाह वाले हैं, सब कुछ दे सकते हैं, ये कहकर के इस यकीन पे जुबैदा जो है 2 दिनार में जन्नत खरीद ली। अब वही हारून रशीद जब गया तो कहा तुम्हारी सारी सल्तनत, हारून रशीद बोला कि एक रात में जन्नत इतनी महंगी हो, कहा जुबैदा बिन देखे खरीदी थी, तुम देख करके खरीद रहे। तो जब 5,000 में फूल साहब जन्नत की टिकट खरीदे और लास्ट में जन्नत की टिकट इतनी सस्ती हो गई कि 500 रुपया आ गया और इमाम साहब किबला 500 रुपया अपने पॉकेट से निकाल करके जन्नत की टिकट खरीद लिए, तो लीजिए भाई मैं भी 500 रुपया निकाल करके खरीदता हूँ और अपने कुंबे के लोगों से कहता हूँ कि आप भी 500 रुपया जमा करके जन्नत की टिकट खरीदिए। और अब मैं देखता हूँ कौन जन्नती माँ का जन्नती बेटा है कि 500 में जन्नत की टिकट खरीदने के लिए लाइन लगाता है। मैंने कहा जन्नती माँ का जन्नती बेटा, भैया अभी तो मैं आधा मंत्र सुनाया हूँ, पूरी मंत्र सुनाऊंगा, लेकिन पहले अपने कबीले वालों को मैं, जब इमाम साहब किबला दे सकते हैं, कारी फिरोज साहब किबला दे सकते हैं, जब ये हजरत दे रहे तो आप लोग क्यों नहीं भाई, खत्म हो गया है, अरे नाम लिखवा दीजिए ना भैया नाम, माशाल्लाह देखिए आ गया, क्या नाम है भैया? अली की रहमत, रहमत अली, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए ये मत सोचिएगा कि मौलाना लोग का काम है किसी तरह चपोटना, मौलाना साहब अपने लिए नहीं मांग रहे हैं ना अपने घर के लिए मांग रहे हैं। मैं ऐसे हैरतमंद मुसलमान को कहना चाहता हूं जिस मुसलमान का घर तल्ला, जिस मुसलमान का घर मुकम्मल है, और अगर उसकी खैरत जिंदा है, खुदा का घर नामुकम्मल है, उसे मुकम्मल करके दिखाओ, तब तो मानूंगा कि तुम वाकई में हुसैनी हो। यहाँ बजाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ बजाने के लिए ताल की जरूरत नहीं पड़ती, ढोलक पे ताल की जरूरत पड़ती है। इस तरह मत बजा, हुसैनी हो तो हुसैनी जज्बा पेश करो। अभी अगर किसी कवाली की महफिल होती ना हजरत, यूं नोट उठता था, ऐसे नोट उठता। लेकिन मस्जिद के लिए कहा जा रहा है तो लोग यूं ताक रहे हैं।
अरे नहीं ये 500 कोई दिक्कत नहीं, आप मुट्ठी बंद करके आपके हाथ में जो है वो ये मत देखिए कि मैं कितना दे रहा हूँ, जितना जिसके हाथ में हो ला करके रख दीजिए। और 15 मिनट का वक्त है, मैं 15 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करूंगा इंशाल्लाह। बस ये एक्स्ट्रा टाइम हजरत माजर चाहता हूँ मैं ले लिया हूँ, क्योंकि अल्लाह के घर का सवाल। अरे आप लोग देखिए माशाल्लाह, बस जो है वहां रखिए 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 रखिए, सबसे मुसाफा करूंगा। देखिए कहीं कहीं मस्जिद को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। आप गूगल वाले बाबा हैं, यहाँ पे बहुत सारे गूगल वाले बाबा बैठे हुए देख रहे ना कि मस्जिद को, बनी बनाई मस्जिद को गिराया जा रहा है। क्यों? ये उसकी ताकत नहीं है, ये उसका पावर नहीं है जिस बिना पे वो मस्जिद गिरा रहा है। अरे ये हमारे ईमान की कमजोरी है, हमने अपने मस्जिदों को सस्ते से सजाना छोड़ दिया है, इसलिए मस्जिदों को मिटाया जा रहा है। जिस हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान में मस्जिद को मिटाया जा रहा है, उसी हिंदुस्तान में एक मस्जिद की तामीर के लिए आपसे सवाल किया जा रहा है, आप पीछे क्यों हो भाई? जंगे मौता का वाकया याद कीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं कोई जो इस्लाम की मदद करे, दीन की मदद करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़े दौड़े घर गए, जो कुछ था वो गठरी में समेट लिए। हजरत उमर फारूक भी घर गए, जो कुछ था भी लेकर के आ गए, आका की बारगाह में आका के कदमों में डाल दिए। कहा ऐ उमर क्या लाए हो? कहा या रसूलल्लाह जो कुछ भी था उसका आधा घर पे छोड़ दिया और आधा लेकर के आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा आका ने, ऐ अबू बकर तुमने क्या लाया? हजरत अबू बकर फरमाते हैं या रसूलल्लाह जो कुछ भी था सबका सब लेकर के आ गया। कहा घर में क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह घर पे अल्लाह और उसके प्यारे रसूल को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। ये नहीं देखा कि क्या है ये मुठरी में, गिनने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, क्या लाया? जो कुछ था या रसूल अल्लाह में डाल दिया। हजरत उमर फारूक के पास बहुत कुछ था, आधा आधा लेकर के आए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था सब कुछ लेकर के आए, और कुछ नहीं था फिर भी बाजी मार गए। तो आप ये मत समझिए कि मैं कितना दे रहा हूँ, जो कुछ है मुट्ठी बंद करके दीजिए क्या रसूल अल्लाह के घर के लिए, जो कुछ भी दीजिएगा ये पैसा आपका सही जगह इन्वेस्ट होगा, ये पैसा आपका सही जगह इन्वेस्ट होगा। क्यों? आपका कुछ पैसा पान गुटखा की शक्ल में नालियों में गिरता है, कूड़े कचरे में गिरता है। गिरता है कि नहीं भाई? अरे बोलो ना, हाँ गिरता है ना। अरे मैं नहीं कहूंगा कि भाई आप लोग अपना रिचार्ज का, एक महीना के रिचार्ज का पैसा दे दो, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद समझदार हो। आप जानते कि मौलाना साहब आए हैं तो लगता है कि पूरा खाली करवा के ही जाएंगे, कोई बात नहीं, जिनके पास टिकट का पैसा ना, तेल का पैसा ना हो आप मुझसे ले लेना। तो गिनने की जरूरत नहीं है, जो जिससे हो सके दे बरकत। और जो लोग अता कि अल्लाह ताला उनको एक के बदले 100 अता, हजरत इमाम हसन हुसैन का सदका आता था कि इमाम हुसैन के नाम पे लुटाने वाले के घर में कभी कमी नहीं होती है। बरकैफ कुछ देर तकदीर हो जाए ना, बस काफी होगी। देखिए मैंने जिस आयत मुबारक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशुरून, जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है पर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। इमाम हुसैन दीन को बचाने के लिए अपने सर की कुर्बानी दे दे, हाथ बचाने के लिए सर दे दे। आज हम लोग सर बचाने के लिए हाथ पता नहीं कहां कहां दे देते, सर बचाने के लिए हाथ कहां कहां नहीं दे देते, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया। जानते क्यों? क्योंकि ये हाथ बहुत मुबारक है, और इमाम हुसैन का हाथ, अल्लाह अल्लाह, उस हाथ के बारे में क्या कहना,
जो हाथ अपने नाना के जुल्म को थामा, उस जात के बारे में क्या कहना जो दोषे पैगंबर पे सवार हुआ। लेकिन देखिए दीन बचाने की बात आई तो इमाम हुसैन ने खुद ही नहीं अपने घर बार घर वालों के यहाँ तक के मासूम असगर 6 माह के नन्हे मासूम असगर उनकी भी कुर्बानी पेश कर दी। आज हम लोग जो खींचते हैं और बड़े आराम से खाद से रहते हैं और हफ्ता में एक के दिन तो जइबे करते हैं ना हजरत, एक के दिन जाते हैं, बड़का मुसलमान कहलाते हैं, बड़का मुसलमान कहलाते हैं। इलिया साहब एक आदमी मिला बोलता है कि हजरत आप लोग बार बार नमाज पे तकलीफ करते रहते हैं, हम लोग को जलील करते हैं, आप लोग कितना नमाज पढ़ते हैं? बोला भाई 5 वक्त पढ़ते हैं। बोला कैसे पढ़ते हैं? बोला पहले फजर पढ़े, उसके बाद जोहर पढ़े, फिर असर पढ़े, फिर मगरिब, फिर ऐसा। बोला कि अच्छा पहले फजर पढ़े ओकरा बाद दोपहर में जोहर, जोहर बाद खा उके, जोहर में खा उके टनाटन हो गया, तब जाके के 5 बजे असर, असर पढ़ के चारों तरफ से घूम घुमा करके आइएगा, तब मगरिब, मगरिब के 2 घंटा के बाद ऐसा। घबरा गया भाई ये कितना बड़का नमाज है भैया, बड़ा तुम बता दो यार कैसे नमाज पढ़ते हो, कोई भी घबरा जाएगा ना, तुम बता दो भाई कैसे नमाज पढ़ते। बोला हम पढ़ते जुम्मे 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 जुम्मे, समझ गए? तो अल्लाह ऐसे नमाजी से बचाए। आप सारे उलमा की ज़बानी ये सुन लीजिए कि सुन लिए कि हजरत इमाम हुसैन ने कर्बला में गर्दन कटवाई थी, लेकिन क्यों कटवाई थी गर्दन? कि अपना घर बार बचाने के लिए या अपने खानदान को बचाने के लिए? नहीं, अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए। अल्लाह सवाल, इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि यजीद शराबी था, यजीद शराबी था, अय्याश था, तो वो हाथ, वो मुकद्दस हाथ जो अपने नाना के जुल्म को थामा हो, वो कभी किसी शराबी के हाथ में कैसे जा सकता है? और इमाम हुसैन ने हाथ बचा करके ये नुक्ता दे दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे दीवानों, तुम भी ये हाथ किसी जाली पीर के और उस पीर के हाथ में हर किस मत देना जिस पीर की निगाह हमेशा मुरीद के माल पे होता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज एक भी ये भी चलन है कि मतारी बाप रोवत रहे, पीर साहब ऐसा 5,000 नजराना दे करके जन्नत खरीद ली हो रहा, और ऐसा ऐसा जाली पीर हो गए भैया जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का शऊर नहीं। तो इमाम हुसैन ने कहा हर ये हाथ हर हाथ में मत दे देना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हो गए तो शहीद हो गए सर कटाने के बाद भी सर नेजे पे बुलंद हुआ, तो वजह चाहूंगा बस 5 मिनट आओ, सर कटाने के बाद भी सर नेजे पे बुलंद हुआ, नीचे गिरा या ऊपर? अरे बोलो ना भाई, अब चंदा नहीं मांग रहा हूँ, अब नहीं मांगूंगा, सर नीचे गिरा या ऊपर? तो शहीद होने के बाद भी सर बुलंद है, इससे पता क्या चला कि इमाम हुसैन का सर बुलंद हो गया और सुबह कयामत तक इमाम हुसैन के सारे दीवानों का सर बुलंद रहेगा, कभी झुकेगा नहीं। इमाम हुसैन ने नेजे पे कुरान सुना करके ये साबित कर दिया कि मोमिन कभी मरता नहीं। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया और मोमिन मरता नहीं, तर जाता है, जन्नत उसका घर है, अपने घर जाता है। एक आम मोमिन का हाल ये है। आज कुरान कुरान को इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग क्या क्या हरबा इस्तेमाल कर रहे, कोई मत का योगी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किधर से कह रहा है, और भारत धरती पे नफरत की बीज बो रहा है। लेकिन 5,500 साल पहले ऋषि वेद व्यास ने अपने ग्रंथ भविष्य पुराण में मजहब इस्लाम की आन बान शान का डंका बजाया। बानिए इस्लाम प्रोफेट ऑफ इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आमद का चर्चा किया,
उनकी भविष्यवाणी की। ये मेरे प्रिय जनों सुनो, ए मेरे मानने वालों सुनो, ए मेरे मित्रों सुनो, ए मेरे छात्रों सुनो सुनो, एक ऐसी घड़ी आने वाली है, एक ऐसा समय आने वाला है, उस घड़ी में, उस समय में, उस काल में ईश्वर का एक परम मित्र इस धरती पे अवतार ग्रहण करने वाला है और उनके ऊपर एक आकाशीय पुस्तक भी अवतरित होगी। तो ए मेरे मानने वालों सुनो, जब तुम उनको पा जाओ तो अपने आप को उनके चरणों पे अर्पित कर देना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अपने आप को उनके चरणों पे अर्पित कर देना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो आकाशीय पुस्तक उन पे अवतरित हुई होगी उसका ग्रहण कर लेना, तुम्हारा मंगलम कल्याण हो जाएगा। ऋषि वेदव्यास ने जब ये कहा तो उनके मित्रों ने कहा, छात्रों ने कहा कि महाराज आप जिनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं उनकी कुछ पहचान बता दीजिए, कुछ परचमो निशान बता दीजिए, ताकि जब उनको देखे तो पहचान जाएंगे और जब पहचान जाएंगे तो मान जाएंगे और जब मान जाएंगे तो सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उनके चरणों पे अर्पित कर देंगे। का सुनो, उनकी पहचान ये है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, पहले तुलसीदास से जाकर के पूछो। तुलसीदास के पास लोग गए, कहा उनकी पहचान बता दीजिए, तो तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ ना कुछ पक्षपात में राखूं, वेद पुराण सतत मत भाजो, देश रब बदलता सोआए सुतल भूम सुन सत का गुड़ा, बिना चार विचार को अनीसा भजो नाम मरमिते कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, चित्र सुंदर मत के सदचार, जिनके वंश हुए बहुहारी, सम्मो सम्मता कर होई, सुंदर मदे से तय तय सोई, के तुलसी भाजो भजन सत गोई, अरे बिना मोहम्मद पार न हो। सेवा सुभान अल्लाह, वाह गुरु दावाना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।